असलम, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे टी डैगर के मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड को। और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिज़ाइन का, और साथ में चेक करेंगे जो इसकी RGB लाइट इफेक्ट्स हैं और यहाँ पर जो की साउंड मिल रही है वो भी चेक करके इसी वीडियो में बताऊंगा। और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, और पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और स्टार टेक वालों के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि गेमिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आपको कोई सी भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगी और ओवरऑल पाकिस्तान में डिलीवर भी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट में मिल जाता है टी डैगर का लोगो और नेम, कीबोर्ड का डिज़ाइन मिल जाता है और यहाँ पर कीबोर्ड का नेम मिल जाता है जो कि बैटलशिप मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। तो इसकी बैक साइड पर आ जाता है तो यहाँ पर टी डैगर का नेम मिल जाता है और यहाँ पर बताया हुआ है कि 8 बैक लाइट पैटर्न फॉर गेमिंग मोड मिल रहा है और यहाँ पर 2 बैक लाइट रिकॉर्डिंग कीज मिल रही हैं और यहाँ पर जो है बैक लाइटनिंग मोड स्विचेस का बताया हुआ है और यहाँ पर ब्रीथिंग स्विच का भी बताया हुआ है जो कि एंड के बटन से होगा। यहाँ पर मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड विद रैम्बो बैक लाइट का बताया हुआ है। यहाँ पर फीचर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम अलॉय पैनल मिल रहा है, ड्यूरेबिलिटी, डिटैचेबल मैकेनिकल स्विचेस मिल रहे हैं, 50 मिलियन क्लिक्स मिल रहे हैं, रैम्बो बैक लाइटनिंग मिल रही है, फुल की नॉन कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, वाइट प्लम रेस्ट मिल रहा है और 104 डबल शॉट इंजेक्ट की कैप्स मिल रही हैं। तो चलिए फिर इसको जो है अनबॉक्स करते हैं और फिर इसका जो डिज़ाइन है वो चेक करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यूज़र मैनुअल क्विक गाइड बुक मिल जाती है, अगर तो आपको यूज़ ना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्विचेस का जो ये स्विचेस है उसको उतारने के लिए एक टूल मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके केबल की, तो वायर क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है और रबर की क्वालिटी मिल रही है, रबर क्वालिटी जो होती है वो मिल रही है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और यहाँ पर जो है गोल्ड प्लेटेड जो है USB का कलर मिल रहा है और यहाँ पर एक फ़िल्टर भी मिल जाता है, तो वायर क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसकी बात कर ली जाए डिज़ाइन की, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन वाइज है वो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, गेमिंग लुक है, तो यह है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। ब्लैक कलर में आता है और ये काफ़ी अच्छा जो है ना ब्लैक कलर इस पर सूट कर रहा है डिज़ाइन पे। तो यहाँ पर हैंड रेस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हाथ के मुताबिक जो है हैंड रेस्ट बनाया हुआ है, हम जैसे ही टाइपिंग वगैरह करते हैं तो अनकम्फर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होता, काफ़ी कम्फर्टेबल इन्होंने जो है हैंड रेस्ट डिज़ाइन किया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, टी डैगर वाले काफ़ी अच्छी जो है अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखते हैं। तो यहाँ पर इसके जो डिज़ाइन भी हो गया है, क्वालिटी भी हो गई और यहाँ पर जो कम्फर्टेबल है हैंड रेस्ट वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो चलिए फिर इसको जो है ना ऑन करके आपको दिखाता हूँ, इसके जो RGB लाइट इफेक्ट्स हैं वो चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने RGB लाइट इफेक्ट्स मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा कैमरे को जो है पास कर लेता हूँ ताकि जो है इसकी ब्राइटनेस है RGB लाइट्स की वो काफ़ी अच्छे से दिखे। और यहाँ पर मैं लाइट्स भी कुछ ऑफ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जो है क्लियर दिखे। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके जो RGB लाइट इफ़ेक्ट्स हैं वो नो डाउट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, ये आप लोगों के सामने हैं। और यहाँ पर इसके जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी मिल रही है RGB लाइट्स की। यहाँ पर जो है मैं फंक्शन कीज चेक करते हैं, यहाँ पर कितने फंक्शन कीज मिल रहे हैं इसके अंदर RGB लाइट इफ़ेक्ट्स के। तो यहाँ पर मैं F1 दबाता हूँ और 1 का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है गेमिंग मोड ऑन हो जाता है जो कि एरो कीज और ASDW और एस्केप का बटन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर दबाता हूँ F1 और 2 का बटन तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो है
इफेक्ट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर F3 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ऑन होगा, F4 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ये ऑन हो जाएगा इफेक्ट। RGB के F5 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ऑन होगा। तो F6 दबाता हूँ तो यहाँ पर ये भी गेमिंग मोड है तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर F7 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ये ऑन होगा, और 8 दबाता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो है मूड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर F9 दबाता हूँ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 0 दबाता हूँ तो यहाँ पर नहीं ऑन होगा। तो यहाँ पर FN और इंसर्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से जो है इफ़ेक्ट ऑन होगा। तो यहाँ पर मैं फिर दबाता हूँ FN, ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड आ गया इफेक्ट, और यहाँ पर फिर दबाता हूँ इंसर्ट तो यहाँ पर ये इस टाइप, ये उस टाइम के यूज़ करने के जब आप लोग जो है ना कीबोर्ड को यूज़ नहीं करते, तो ये इस टाइम के लिए यूज़ होता है ये इफेक्ट्स जितने भी हैं इंसर्ट में मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इस टाइप से ये मूड ऑन हो जाएगा, और मैं फिर दबाता हूँ तो ओके, तो मैं जो भी बटन दबाऊंगा वहीं से जो है ना ग्लो करेगी पूरे कीबोर्ड में लाइट्स। ओके, तो मैं FN और इंसर्ट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है स्टिल हो जाएंगे कलर। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर दबाता हूँ तो ओके, तो जो जो मैं बटन दबाऊंगा तो वो ही ऑन होगा, तो पीछे वाले जो है वो ऑफ हो जाएंगे बटन्स। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर दबाता हूँ इंसर्ट का तो यहाँ पर इस तरह से जो है ग्लो करेगा RGB इफेक्ट। ओके, तो मैं फिर दबाता हूँ तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो है ऑफ हो गए सारे इफेक्ट। ओके, तो ये दोबारा से स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पर FN होम बटन दबाता हूँ, नहीं है कुछ, पेज अप जो है वो भी स्टिल मिल रहा है, कुछ इतना खास नहीं है। डेल में दबाता हूँ, एंड में एंड भी नहीं है, पेज डाउन भी नहीं है। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर जो है ना इंसर्ट जो कलर जो बटन है ना उसमें सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, और कुछ जो होते हैं कि इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको जो है ना PC के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे इनकी साइट से, तो वहाँ पर जाके आप लोग इसके जो स्टिल कलर है जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया या फिर ग्रीन हो गया, अगर तो इनके अवेलेबल हुए तो इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा इनकी साइट से, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसके जो स्टिल कलर हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है FN और इंसर्ट कलर, इंसर्ट जो बटन है उसी में जो है फंक्शंस मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब के 7-8 जो है जो RGB इफेक्ट्स हैं वो मिल रहे हैं सिर्फ इंसर्ट बटन में। तो यहाँ पर इंसर्ट बटन मिल जाता है और यहाँ पर 1 से लेके 8 तक जो है इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं FN के फंक्शंस कीज़ के। तो यहाँ पर मैं इसके जो की साउंड है वो चेक करवा देता हूँ कि इसके जो की साउंड है मैकेनिकल कीबोर्ड की वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमें स्विचेस का कलर मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके स्विचेस के कलर है और स्विचेस का जो कलर की साउंड है वो इस टाइप की मिल रही है। तो यह मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू स्विच मिल रहा है, तो ये आप लोगों के सामने है, तो ये मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये ब्लू स्विच में आता है, ये जो टी डैगर का जो कीबोर्ड है वो ब्लू स्विच में आता है। तो यहाँ पर ब्लू स्विच की जो की साउंड है वो आप लोगों ने सुन ली है कि जो की साउंड है वो कैसे मिल रही है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये कीबोर्ड टी डैगर का? मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, क्योंकि टी डैगर के जितने भी कीबोर्ड हैं वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं, और ये वाला कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर जो लाइट है और जो इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी मिल रही है वो 9 डॉट काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो अगर तो आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।